2007 में रणबीर कपूर की पहली मूवी आई सांवरिया। भाई साहब इस मूवी का बजट 45 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 20 करोड़ 92 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 39 करोड़ का कलेक्शन किया और भाई साहब कपूर साहब की पहली मूवी डिजास्टर रही। 2008 में इनकी दूसरी मूवी आई बचना ऐ हसीनो। इस मूवी का बजट 23 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 36 करोड़ 19 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 61 करोड़ का कलेक्शन किया और ये मूवी सेमी हिट रही। साल 2009 में इनकी तीसरी मूवी आई बैकअप सीट। इस मूवी का बजट 18 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 27 करोड़ 95 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 45 करोड़ का कलेक्शन किया और ये मूवी भी सेमी हिट रही। इसी साल इनकी चौथी मूवी आई अजब प्रेम की गजब कहानी। दोस्तों इस मूवी का बजट 44 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 64 करोड़ 60 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 97 करोड़ 13 लाख का कलेक्शन किया और ये मूवी सुपरहिट रही। इसी साल इनकी एक और मूवी आई रॉकेट सिंह। इस मूवी का बजट 16 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 16 करोड़ 55 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 27 करोड़ 66 लाख का कलेक्शन किया और ये मूवी एवरेज रही। साल 2010 में इनकी छठवीं मूवी आई राजनीति। दोस्तों इस मूवी का बजट 61 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 93 करोड़ 66 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 149 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। अनजाना अनजानी। इस मूवी का बजट 38 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 40 करोड़ 29 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 69 करोड़ 85 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। साल 2011 में इनकी मूवी आई रॉकस्टार। दोस्तों इस मूवी का बजट 45 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 62 करोड़ की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 104 करोड़ 46 लाख का कलेक्शन किया और ये मूवी सेमी हिट रही। साल 2012 में इनकी मूवी आई बर्फी। दोस्तों इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 112 करोड़ 15 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 188 करोड़ 36 लाख का कलेक्शन किया और ये मूवी सुपरहिट रही। 2013 में इनकी मूवी आई ये जवानी है दीवानी। दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 188 करोड़ 57 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 319 करोड़ का कलेक्शन किया और भाई साहब रणबीर कपूर की ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। वैसे दोस्तों ये मूवी मुझे काफी बढ़िया लगी थी। इसी साल इनकी एक और मूवी आई बेशरम। दोस्तों इस मूवी का बजट 83 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 69 करोड़ 79 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 102 करोड़ 85 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। साल 2015 में इनकी मूवी आई रॉय। दोस्तों इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 44 करोड़ 52 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 70 करोड़ 42 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद रणबीर कपूर की मूवी आई बॉम्बे वेलवेट। दोस्तों इस मूवी का बजट 118 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 23 करोड़ 67 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 43 करोड़ का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद रणबीर कपूर की मूवी आई तमाशा। दोस्तों इस मूवी का बजट 87 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 67 करोड़ 26 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 131 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन किया और ये मूवी फ्लॉप रही। 2016 में रणबीर कपूर की मूवी आई ऐ दिल है मुश्किल। दोस्तों इस मूवी का बजट 98 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 112 करोड़ 48 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 229 करोड़ 67 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। दोस्तों ये मूवी भी काफी बढ़िया मूवी थी। 2017 में रणबीर कपूर की मूवी आई जग्गा जासूस। दोस्तों इस मूवी का बजट 131 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 54 करोड़ 16 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 91 करोड़ 47 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 2018 में रणबीर कपूर की मूवी आई संजू। दोस्तों इस मूवी का बजट 96 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 342 करोड़ 53 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 586 करोड़ 85 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब रणबीर कपूर की ये पहली मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। दोस्तों ये मूवी भी काफी बढ़िया मूवी है। 2018 में रणबीर कपूर की मूवी आई शमशेरा। दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 63 करोड़ 58 लाख की हुई। दोस्तों इस मूवी ने पूरी दुनिया में कितनी कमाई करी है इस बारे में नहीं पता चल पाया, लेकिन दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2022 में इनकी मूवी आई ब्रह्मास्त्र। दोस्तों इस मूवी का बजट 410 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 430 करोड़ की हुई और भाई साहब रणबीर कपूर की ये मूवी हिट रही। 2023 में रणबीर कपूर की मूवी आई तू झूठी मैं मक्कार। दोस्तों इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपया था। दोस्तों अभी तक की इंडिया में इसकी कमाई 3 करोड़ 37 लाख की हुई है। दोस्तों ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, इस वजह से अभी क्लियर इसका डाटा नहीं पता चल पाया। तो दोस्तों यह था रणबीर कपूर का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किसके ऊपर चाहिए, ये भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए।
चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉलीवुड की ए टू जेड खबरें मिलती रहती हैं। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने एक नया चैनल बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो जल्दी से जाइए उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।